अगर आप घर में अकेले रहते हैं या आपके मम्मी डैडी अकेले रहते हैं या आपका घर बहुत छोटा है या फिर आपके घर में पानी की प्रॉब्लम है तो आपसे बेटर कौन समझ सकता है कि कपड़े धोना किसी सजा से कम नहीं है और खासकर सर्दियों में तो हालात और भी खराब हो जाते हैं। शायद इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से इन्वेंट हुई है बकेट वॉशिंग मशीन। तो चलिए जानते हैं क्या है ये प्रोडक्ट आपकी अपनी सुजाता के साथ नोविद सुजाता के इस एपिसोड में। बकेट वॉशिंग मशीन एक बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ साइज में छोटी है पर पावर और परफॉर्मेंस में जबरदस्त है। ये पोर्टेबल है, हैंडी है, लाइट वेट है। आप इसे अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं। यूज करने में बेहद ही आसान है। बिजली और पानी की बचत करती है। किसी भी साइज के बकेट पे इजीली फिट हो जाती है। इसे यूज करना बहुत ही आसान है। इसका वजन 2-2.5 किलो के आसपास है। ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और इसे स्टोर करना आसान है और रिपेयर करना भी बहुत आसान है। ये कम कपड़ों के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसकी एक वॉश साइकिल 5-10 मिनट्स की होती है और ये एक मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, सो वी नीड टू सपोर्ट इट फॉर श्योर। बकेट वॉशिंग मशीन सिर्फ साइज में छोटी है पर पावर और परफॉर्मेंस में जबरदस्त है। रेट के हिसाब से क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इसे यूज करना भी बहुत सिंपल है। इसके पावरफुल क्लिप्स किसी भी साइज के बकेट पे इजीली फिट हो जाते हैं। इसमें पानी, डिटर्जेंट और कपड़े डालकर मशीन ऑन कर दीजिए और सिर्फ 5-10 मिनट में कपड़े धुल जाएंगे। साबुन लगाकर कपड़े घिसने और रगड़ने से आजादी। फिर इन कपड़ों को साफ पानी में डालकर हाथों से निचोड़कर सूखने डाल दीजिए। बस मेरी मॉम सातारा में मेरी छोटी सिस्टर के साथ रहती है। वहां पर पानी की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मशीन नहीं ले सकते। उन दोनों के कपड़े भी ज्यादा नहीं होते, इसलिए मैंने उन्हें बकेट वॉशिंग मशीन लेकर दी है और दोनों उसको कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक डेडिकेटेड बकेट में फिक्स करके रखा है ताकि बार बार खोलना या बंद करना नहीं पड़े, क्योंकि इसके क्लिप्स बहुत टाइट है और बार बार खोलना बंद करना ना बहुत भारी पड़ जाता है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, एक डेडिकेटेड बकेट ले सकते हैं जो सिर्फ कपड़े धोने के लिए है और उसमें इस वॉशिंग मशीन को फिट कर दीजिए। तो जब भी कपड़े धोने हो आप उस बकेट में डाल दीजिए। मशीन तो उसमें ऑलरेडी फिट है, आपको सिर्फ पानी डालना है, डिटर्जेंट डालना है और कपड़े डालने हैं और उसके बाद मशीन नहीं चलानी है। हाँ, मशीन नहीं चलानी है। इतनी जल्दी मत चलाइए, नहीं तो कपड़े साफ नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जब आप मशीन चलाएंगे तो आप 5-10 मिनट चलाएंगे तो उससे कपड़े इतने साफ नहीं निकलेंगे। इससे बेस्ट है कि आप उस कपड़ों को 10-15 मिनट वैसे ही पानी में डिप रहने दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके कपड़े जितने भीगेंगे उतने अच्छे से निकलेंगे। उसके बाद जब आप वॉशिंग मशीन यूज करेंगे तो और भी ज्यादा निखर के आएंगे। इसमें कोई भी टाइप के कपड़े जैसे कॉटन है, रेशमी, ऊनी, बेडशीट्स, पर्दे, टॉवल्स, अंडरगार्मेंट्स सब कुछ धो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि एक बार में इसमें ज्यादा कपड़े ना डालें। अब ज्यादा का मतलब है कि आपने जितना पानी डाला है उसके हिसाब से आप कपड़े डालिए। मतलब मैं आपको समझाती हूँ। समझ लीजिए कि ये आपका बकेट है, इसमें आपने इस लेवल तक पानी डाला हुआ है तो आपका हाफ लेवल तक कपड़े आने चाहिए। मतलब एक बार आप कपड़े डाल के इसको एक बार ऐसे दबा के देख लीजिए कि हाफ लेवल तक जा रहा है। इससे क्या होगा कि मशीन ओवरलोड नहीं होगी और मशीन पे स्ट्रेस नहीं आएगा और मशीन अच्छे से स्पिन होगी। बकेट वॉशिंग मशीन को हाई क्वालिटी मटेरियल से बनाया गया है। इसमें हाई परफॉर्मेंस की मोटर लगी है, इसकी बॉडी शॉक प्रूफ है और इसके साथ आपको 1 ईयर की सर्विस वारंटी भी मिलती है। अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, इजी फंक्शन वाली मशीन चाहते हैं या घर में कम कपड़े होते हैं धोने के लिए या फिर बिजली और पानी की बचत करना चाहते हैं और सबसे ऊपर नहीं चाहते कि इस एज में भी आपकी माँ आपके कपड़े धोए और कमर का दर्द बढ़ा ले, तो इसलिए ये बकेट वॉशिंग मशीन आप ले सकते हैं, क्योंकि यूज करने में बहुत ही आसान है। साइज में ऐसी है कि कहीं भी रखा जा सकता है, ज्यादा जगह नहीं लेती है और आप इसे अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं और ये आपके अपनों को देने के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट है। होप करती हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो। बकेट वॉशिंग मशीन के लिए आपके जो भी कंसर्न्स या कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर इट। और हाँ, अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एज अ टोकन ऑफ लव लाइक एंड सब्सक्राइब मी।
बकेट वॉशिंग मशीन के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नए प्रोडक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।